हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ दी सिंपल थिंग्स। दीस होता है यह, सिंपल होता है साधारण, थिंग्स होती हैं चीज़ें, ये साधारण चीज़ें। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ रिसीव द जॉन लीवेलन राइस प्राइज इन 1957। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर थे ब्रिटिश के टाइम के। उनका पहला नॉवल था द रूम ऑन द रूफ, जिसे जॉन लेवलाइन राइस प्राइज मिला था 1957 में। दी सिंपल थिंग्स रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम एंड देन टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी। द सिंपलेस्ट थिंग इन लाइफ आर बेस्ट। A patch of green, a small bird's nest, a drink of water, fresh and cold. The taste of bread, a song of old. These are the things that matter most. The laughter of a child, a favorite book. Flowers growing wild, a cricket singing in a shady nook. A ball that bounces high, a summer shower, a rainbow in the sky. The touch of a loving hand and time to rest. These simple things in life are best. अब मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी। द सिंपलेस्ट थिंग इन लाइफ आर बेस्ट। जो साधारण चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में वो बेस्ट होती हैं, मतलब बहुत ही अच्छी होती हैं। अ पैच ऑफ ग्रीन, पैच होता है लैंड का, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा। सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे सिंपल चीज़ हमारे लाइफ में है जब हम एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा देखते हैं जहाँ हरी भरी घास लगी होती है। हम सबको ग्रीनरी कितनी पसंद है ना। अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, एक छोटे से पक्षी का घोंसला। अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, पानी ठंडा और फ्रेश। जब हमें प्यास लगी होती है तो ठंडा फ्रेश पानी हमें कितना सुकून देता है, वो लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, यहाँ ब्रेड सिर्फ ब्रेड नहीं बोला गया है, यहाँ खाना जो भी आप खाते हो, रोटी चपाती सब्ज़ी, सबको ब्रेड कहा गया है। खाने का स्वाद, अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, एक पुराना गाना। दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, ये कुछ वो चीज़ें हैं साधारण सी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लाइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो हमारी लाइफ के बेस्ट होते हैं। इस पोयम में यही बताया है। द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे की हंसी। अ फेवरेट बुक, एक पसंदीदार किताब जिसे आप बार बार पढ़ना पसंद करते हैं। फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, फूल जब बड़े बड़े होते हैं। अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नुक, क्रिकेट एक इंसेक्ट है और जब वो कोने पे बैठ के गाना गा रहा है। अ बॉल दैट बाउंसेस हाई, बाउंसेस का मतलब होता है उछलना, एक बॉल जब ऊंची उछलती है। अ समर शावर, गर्मियों में नहाना। अ रेनबो इन द स्काई, स्काई आसमान पे इंद्रधनुष का आना। द टच ऑफ अ लविंग हैंड, किसी प्यार भरे इंसान के हाथों के छूने का एहसास। एंड टाइम टू रेस्ट, और वो आराम करने का समय। दी सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो सिंपल हैं लेकिन बेस्ट हैं। सो इस पोएम में सिंपल चीज़ें बताई गई हैं हमारी लाइफ में, कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो होती तो काफ़ी छोटी हैं लेकिन वो हमारे लाइफ में बेस्ट बन जाती हैं। लाइक कुछ छोटे छोटे मौके ऐसे होते हैं, इंसिडेंट कुछ ऐसे होते हैं जो हमें फॉरएवर याद रहते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाओगे तो वो जो डे होता है वो आपको कभी नहीं भूलता है। एक छोटा सा मौका होता है, एक छोटा सा दिन होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हो, मस्ती करते हो, वो आपके लिए सिंपल था। पिकनिक तो सिंपल बात है, कोई एक बड़ी बात तो नहीं है ना, लेकिन वो सिंपल था और मौका बहुत अच्छा था। वैसे ही इस पोयम में पोएट कहते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ की बेस्ट होती हैं, जैसे हरी भरी घास, छोटा सा घोंसला, ठंडा पानी, खाने का स्वाद, पुराना गाना, बच्चे की हंसी, हमारी फेवरेट किताब, एक फूल का उगना, इंसेक्ट क्रिकेट जो है उसका गाना गाना, बॉल का उछलना,
गर्मियों में नहाना, इंद्रधनुष का आसमान पर आना, फील किसी का और आराम का समय, ये सब हमारे लाइफ की बेस्ट और सिंपल चीज़ें हैं। सो नाउ द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम। न्यू वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड मीनिंग्स, जिन्हें हम हिंदी में शब्द अर्थ कहते हैं। फर्स्ट, पैच, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा ज़मीन का पार्ट, जगह, ठीक है, छोटी सी ज़मीन की। नुक, अ क्वाइट एंड स्मॉल कॉर्नर, एक शांत सा छोटा सा किनारा। बाउंसेस, मूव्स अवे फ्रॉम अ सरफेस आफ्टर हिटिंग इट, जब आप ज़मीन पे मारते हो तो वो उस जगह से उछलकर दूसरी जगह चली जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, बाउंसेस मतलब उछलना, आपकी बॉल उछलती है ना जब आप उसको ज़मीन के साथ लगाते हो, उसी को हम बाउंस कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड वेल। फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू योर बुक, प्लीज़ चेक माई प्लेलिस्ट क्लास 4th इंग्लिश, वे यू कैन फाइंड मैनी टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक्स, ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर टॉपिक। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। Thank you.